हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्षादी व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ टॉल विद अलका के बारे में, जो कि अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं यूट्यूब पर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको देखना पसंद कर रहे हैं, उनके वीडियोज़ देखना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ भी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं ये चीज़ समझ पा रहे हो तो उनकी लाइव में जाकर आप देख सकते हो या उनके वीडियोस पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो कमेंट्स हैं उनमें दी 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 के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो कितनी ज़्यादा तगड़ी है और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है जो आज मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगी कि अलका जी को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं और अलका जी को लोगों ने इतना बुरा भला क्यों कहा, इतना ट्रोल क्यों किया कि वो रोने पर मजबूर हो गई, रोकर वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई, अपनी दिल की बात, अपनी साथ जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पर शेयर करने के लिए मजबूर हो गई। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आज टॉल विद अलका के बारे में। अलका जी ने जो कुछ भी झेला वो एक सच बोलने के कारण झेला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और ये भी काफ़ी लोग जानते हैं कि सच हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। सच बोलने की जो सज़ा मिलती है वो शायद झूठ बोलने पर भी नहीं मिलती है, और कुछ सच ऐसे होते हैं जो कि हमें छुपा लेने चाहिए, जो सच हमें हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से हम हमारा परिवार दुखी रहें, वो सच हम ना ही बोलें तो अच्छा है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अलका जी जो हैं उनको शायद सच इतना ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी ट्रोल होने से वो नहीं बचा पाई, क्योंकि वो सच बोलती हैं। तो बस यहाँ पर मैं यही बात करने आई हूँ कि देखो, सच बोलना कोई गलत बात नहीं है। अलका जी को लोगों ने थोड़ा सा गलत वे में ले लिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हर चीज़ में हो जाती है। तो यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हर इंसान गलत है, सब अपनी अपनी जगह सही थे। और मैं नहीं जानती कि कौन गलत, कितना गलत था, कौन कितना नहीं, लेकिन हाँ एक दो पर्सन ऐसे हैं इस केस में भी जो गलत थे, जो कि सबको दिखाई दे रहा था, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अलका जी को यूज़ किया था और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। तो बस ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी, और किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा गलत बात है, जो कि अलका जी के साथ हुआ और उसका नतीजा आप सब ने देखा, मैंने भी देखा जो उनके साथ हुआ। वो कुछ टाइम के लिए शायद बहकावे में आ गई, और कोई इंसान कितना भी समझदार हो, लेकिन ये होता है ना कि कुछ कह नहीं सकते, ये दिमाग है, कब कौन किसके बहकावे में आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो वो शायद कि थोड़ा बहुत बहकावे में आ गई एज ए फ्रेंड या कुछ भी, कोई भी उनका रिश्ता रहा हो इस इंसान से, अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि क्या YouTube पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऐसी चीज़ें होने से रोक दे, क्योंकि एक इंसान बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपने चैनल पर, 50K सब्सक्राइबर उनके होने वाले थे ऑलरेडी और एकदम से उनका चैनल जो है वो उड़ा दिया गया। तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि मेहनत लगती है हर चीज़ पे, उनकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया, वो कितनी ज़्यादा दुखी हुई, उनका बेटा रो रहा था। तो ऐसे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बच्चे भी बद्दुआ देते हैं, जब बच्चों की बद्दुआ लगती है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और बच्चा भी उनका दुखी था, वो खुद भी दुखी थी। जब इंसान रोकर कोई बात बोलता है ना तो वो बहुत जल्दी लगती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, आप इतनी बात बस दिमाग में डाल लो। अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करूँगी। अगर हाँ, अगर किसी के ऊपर वीडियो बनाना है तो आप अच्छी तरह से बनाइए, अच्छी लैंग्वेज में बनाइए, ये नहीं कि चप्पल दिखा रहे हो, लात दिखा रहे हो, घूंसे दिखा रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, इतनी गंदी गंदी मैंने तो गालियाँ तक सुनी जो लोगों ने वीडियो बनाए उनके ऊपर, तो बहुत गलत है गाइज। आप सोशल मीडिया पर हो, आपकी फेस वैल्यू बन रही है, यहाँ पे फेस देख रहे हैं आपका लोग यहाँ पे,
आपके अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग वीडियोस देख रहे हैं, दूसरे शहरों में दूसरे देशों में वीडियो जा रहे हैं आपके, तो ये फेस वैल्यू बनाओगे आप अपनी यहाँ पे कि इतनी गंदी गंदी किसी को गालियाँ दे रहे हो, अभद्र भाषा। और फिर मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पर आकर ऐसे किसी को बोल रहे हो तो आप अपने घर में खुद के लोगों के साथ में किस तरह से करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा गलत है ये। और किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो इतना ही बोलूँगी, अलका जी के साथ मेरी पूरी सहमति है और आई होप सो कि उनके साथ अब जो भी हो अच्छा ही अच्छा हो। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।